मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में कामगार ने कंपनी के सुरक्षा गार्ड की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। कंपनी के संचालक और उसके बेटे ने पुलिस को सूचना देने की बजाय कामगार पर दबाव डालकर हत्या की, सच्चाई को दबा दिया। सुरक्षा गार्ड के बेटे की शिकायत के बाद हत्या का खुलासा हुआ है। MIDC पुलिस ने आरोपी कामगार को गिरफ्तार किया है। कंपनी का संचालक और उसका बेटा फरार है। गिरफ्तार आरोपी मनोहर उर्फ मनोज बबन बेंडे बाबुलगांव यौतमाल निवासी है। संचालक सुरेश चांदानी और उसका बेटा धर्मेश चांदानी फरार है। मृतक कमलेश रामसुरजन पटेल रीवा मध्य प्रदेश है। MIDC में सुरेश चंदानी की उज्ज्वल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी में पटेल सुरक्षा गार्ड का काम करता था। आरोपी मनोज बेंडे कामगार है। 8 अक्टूबर की रात कंपनी का गेट खोलने में विलंब होने से पटेल और बेंडे के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान बेंडे ने रॉड से हमला कर पटेल को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वारदात का पता चलने पर कंपनी का संचालक सुरेश चंदानी और उसके बेटे धर्मेश मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सच्चाई बताने की बजाय बेंडे पर झूठ बोलने का दबाव डाला। उन्होंने जख्मी पटेल को मेडिकल पहुंचाया, वहां अनिल यादव नाम बताकर भर्ती किया। चंदानी और उसके बेटे ने बेंडे को पटेल हिंगना रोड पर सड़क दुर्घटना की चपेट में आने से जख्मी अवस्था में मिलने की जानकारी देने को कहा। चंदानी के बताए हुए अनुसार बेंडे ने MIDC पुलिस को पटेल के सड़क दुर्घटना में जख्मी होने का झांसा दिया। मेडिकल में उपचार के दौरान 10 अक्टूबर को पटेल की मृत्यु हो गई। MIDC पुलिस ने आरोपियों की बात को सच मानकर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। 2 दिन तक परिजनों का इंतजार करने के बाद पुलिस ने पटेल का शव दफन कर दिया। इसी बीच पटेल के बेटे को कंपनी के सतर्क कामगारों ने फोन कर पिता के साथ अनहोनी होने की जानकारी दी। 18 अक्टूबर को पटेल का बेटा नागपुर पहुंचा। उसने पिता के गायब होने की शिकायत की। उसने पिता के उज्जवल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में सुरक्षा गार्ड होने की जानकारी देने से पुलिस का संदेह गहरा हो गया। पुलिस के पास पटेल का नाम अनिल यादव के तौर पर दर्ज था। शव का फोटो देखते ही पटेल के बेटे ने वह पिता होने की पुष्टि की। MIDC पुलिस ने बेंडे से पूछताछ की। आरंभ में वह पुलिस को गुमराह करता रहा। सख्ती बरतने पर उसने हत्या की बात कबूल की। उसने चंदानी और उसके बेटे के इशारे पर हत्या की बात छुपाना बताया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर बेंडे को गिरफ्तार किया। रॉड के वार से पटेल के सिर पर गहरा जख्म हुआ था। मेडिकल हॉस्पिटल येथे अनिल यादव नावाचा इसम हा उपचार दरम्यान मरण पावलेला आहे, अशी पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली होती। त्याचा हिंगना रोडवर अपघात झालेला आहे, तो उपचार दरम्यान मरण पावला आणि त्याला आणणारे मनोज भेंडे हा इसम आहे म्हणून एवढी माहिती मिळाली होती। त्यावरून आम्ही एक AD दाखल केली होती पोलीस स्टेशन MIDC येथे। त्यानंतर 18 तारखेला विजय पटेल हा पोलीस स्टेशनला आला आणि त्यांनी सांगितले का माझा वडील कमलेश पटेल हे मिसिंग आहेत, तर त्यांची मिसिंग दर्ज केली आणि त्यांना आमच्याकडचे जी AD होती त्यात ती ओळख पटलेली नव्हती, तसे फोटो दाखवले। त्यापैकी त्यांनी ओळखलं की हे माझेच वडील आहे, तर आम्ही त्यांना विचारलं काय झालं म्हणून, तर त्यांनी फोन आला होता आणि लढाई आपके पिताजी के साथ लढाई हुई थी एवढी त्यांनी फक्त माहिती दिली होती। त्यावरून त्यांच्याकडून आम्ही विचारपूस केली आणि तपास केला, तर तो उज्ज्वल इस्पात प्रायव्हेट कंपनी येथे चौकीदारीचे काम करत असल्याचे निष्पन्न झाले। मग तिथे आम्ही जाऊन तेथील कामगारांची विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता तिथे आम्हाला माहिती मिळाली की मनोज बेंडे ह्या सुद्धा तिथेच काम करतो आणि तो 8 तारखेला रात्री देवी पाहण्यासाठी गेला होता आणि उशिरा रात्री तिथे आला असता गेट बंद असल्याने त्यांनी बराच उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो उघडला नाही, तर वरून आत गेला आणि चौकीदार याच्याशी झगडा केला की तू माझा दरवाजा का उघडला नाही। यावरून दोघात वाद झाले। त्या वादामध्ये यांनी रागाच्या भरात भेंडे यांनी तेथील लोखंडी रॉड उचलून मृतक कमलेश पटेल यांच्या डोक्यावर मारले आणि ते गंभीर जखमी झाले। तर तेथील काम करणाऱ्या लोकांनी ताबडतोब तिथे येऊन त्यांना वेगळं केलं आणि त्यांच्या मालकाला तिथे बोलवले। मालक सुरेश चंदानी आणि धर्मेश चंदानी हे दोघंसुद्धा तिथे आलेले आणि त्यांनी ज्यांनी मारलं त्यालाच त्याला एक ॲटोमध्ये बसून त्याला मेडिकल हॉस्पिटलने असे सांगितले आणि तिथे
अपघात झाला आणि त्याचे खोटे नाव सांग असे सांगितले आणि तसेच तिथला पुरावासुद्धा त्यांनी नष्ट केला। यावरून आरोपी मनोज भेंडे आणि मालक आणि त्याचा मुलगा यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। मनोज भेंडे याला अटक केलेली आहे, पुढील तपास करीत आहोत आणि बाकी आरोपीचा शोध घेऊन पुढील तपास करीत आहोत। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.